दोस्तों, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं शायद ही हम जानते होंगे। ऐसे ही आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या होता है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं तथा स्टार्ट मेनू को कस्टमाइज कैसे किया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नितेश वर्मा। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट बटन के बारे में और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ये है हमारा विंडो डेस्कटॉप और विंडो के डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन टास्क बार में, ये हमारा टास्क बार है, टास्क बार में लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में गोलाकार बटन होता है। अब समझते हैं स्टार्ट मेनू और स्टार्ट बटन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा विंडोज़ 95 जब रिलीज हुआ था 24 अगस्त 1995 में, तो ये पहला इंटरफेस जो आया था स्टार्ट बटन का ऐसा था। उसके बाद से विंडोज XP आया, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा था। उसी तरह विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसमें ऐसा फीचर्स है। और विंडोज 8 और 10, ये दोनों में हमारा विंडोज का जो स्टार्ट बटन है उसका ऐसा फीचर्स है। विंडोज़ 8 और 10 दोनों का स्टार्ट बटन लगभग सेम होता है। ये है हमारा विंडोज़ 8 और 10 का। बात करते हैं कि हम कौन सा स्टार्ट बटन के बारे में जानेंगे, तो हम विंडोज़ 7 की स्टार्ट बटन के बारे में जानेंगे। चलिए हम इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। विंडोज़ 95 का स्टार्ट बटन का फीचर्स क्या होता है, देखिए हम एक एक फीचर्स के बारे में दिखाकर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले विंडोज़ 95 का जो स्टार्ट बटन है उसका फीचर्स कुछ ऐसा रहता है। लगभग ये आजकल कंप्यूटर में प्रयोग नहीं होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पुराना हो चुका है। अब उसके बाद से दूसरा जो इंटरफेस है हमारा, ये विंडोज़ 8 का इंटरफेस है। ये आजकल एंड्रॉयड पे बेस्ड है, जिसका प्रयोग स्मार्ट तरीके से यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेल्स, फ़ोटो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्टोर, जिससे मोबाइल में प्ले स्टोर होता है। कोई भी एप्लीकेशन अगर कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो हम यहाँ से क्लिक करके नेट के थ्रू यहाँ से कैमरा, वेदर रिपोर्ट सब कुछ जान सकते हैं विंडोज़ 8 के अंतर्गत। एकदम सेम ऐसे ही हमारा विंडोज़ 10 का भी है, लेकिन विंडोज़ 8 से कुछ ज़्यादा फीचर्स विंडोज़ 10 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। और आगे जो है हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है एक है विंडोज़ XP का ये इंटरफेस। देख लीजिए, विंडोज़ XP ये बहुत पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। लगभग इस पर बहुत सारे कार्य हुए हैं, बट इसका भी प्रचलन, लोकप्रियता अब कम हो गई है। अब ज़्यादा हमारा विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 का है। ऑफिशियली विंडोज़ 7 का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, अब पर्सनली विंडोज़ 10 का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ 7 का इंटरफेस जो स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन का है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के दो साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट पेन और एक होता है राइट पेन। लेफ्ट पेन के बारे में बात करते हैं। देखिए, लेफ्ट पेन का कार्य होता है जो भी प्रोग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं कंप्यूटर में रिसेंटली में, या
पहले से ही वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। यहाँ से और यहाँ तक ये सब जो बार बार हम ओपन किए हैं अपने कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन, वो इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, मतलब शो करता है, इसका काम ही है। इसी के नीचे एक है आल प्रोग्राम। आल प्रोग्राम से अपने कंप्यूटर में जितने भी इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने फोटोशॉप इंस्टॉल किया है, गूगल क्रोम इंस्टॉल किया है, मोजिला फायरफॉक्स है, उसी तरह यहाँ पे ओपेरा ब्राउज़र है, और यहाँ पे तमाम तरह के हैं। जैसे यहाँ पे एमएस ऑफिस है इंस्टॉल किए हैं, नोटपैड है, पाइथन है, टैली है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए टर्बो सी प्लस प्लस है। इन पे जैसे मान लीजिए हम कोई भी ये फोल्डर है एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इस पर क्लिक किए, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये सारे हमारे टूल्स हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट एक एप्लीकेशन पैकेज सूट है जिसके अंतर्गत एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर, ये सब आते हैं। जैसे किसी को भी ओपन करना है, जैसे हमको एक्सेल ओपन करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए हमारा कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा, यानी कि एक्सेल का हमारा इंटरफेस ऐसा होता है। हम यहाँ पे अपना कार्य शीट बना सकते हैं। उसी तरह अब इसमें एक और है यहाँ पे सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में हम टाइप करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे कुछ नाम होते हैं या कुछ एक्सटेंशन नाम के द्वारा हम ओपन करते हैं। जैसे हमको नोट पैड ओपन करना है तो हम इसमें टाइप करेंगे नोट पैड। देखिए नोट पैड टाइप किए, हमारा ये सबसे ऊपर आ गया। हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा नोट पैड ओपन हो गया। सर्च बॉक्स का के मदद से आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। अब उसी तरह हम अपने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क यानी कि माय कंप्यूटर में जो हमारी मेमोरी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको ओपन करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, COMP। कुछ वर्ड लिखने पे भी दिखा देता है हमारे इस फीचर्स में। अब हम यहाँ पे कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये हार्ड ड्राइव ओपन हो गया है। हम इसको आसानी से यहाँ से कोई भी कार्य करना होता है अपने हार्ड डिस्क के थ्रू, फाइल या कोई फाइल मैनेज करनी होती है तो हम यहाँ से करते हैं। अब स्टार्ट बटन के दूसरे पेन के बारे में बात करते हैं, राइट पेन के बारे में। सबसे पहले सबसे ऊपर कंप्यूटर के यूज़र का नाम होता है। देखिए इस पर क्लिक करने से यूज़र नेम फोल्डर खुलता है जिसमें यूज़र के फाइल, चाहे इमेज की हो, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो या कोई अन्य फाइल या फोल्डर हो, यहाँ से हम ओपन करते हैं। देखिए यहाँ से ओपन हो गया, इसमें हमारा सारा फाइल और फोल्डर इंक्लूड है। सबसे पहले ये फोल्डर है और इनके अंदर ओपन करेंगे तो फाइल दिखेंगी। जैसे देखिए माय डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो इनमें सब हमारी फाइलें हैं जो हमने बनाई हैं। उसी तरह यहाँ पे डाउनलोड है, जो हम इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं वो सब यहाँ पे स्टोर है। और ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप मीन्स कि जो भी हमारी ये डेस्कटॉप पे है, जितने भी आइकन्स हैं और फाइल या फोल्डर्स हैं वो सब इसमें प्रदर्शित होता है। तो ये यूजर से रिलेटेड सारा फाइल फोल्डर है जिनका इस्तेमाल किया जाता है यूजर के लिए। और दूसरा है डॉक्यूमेंट, आपके फाइल का फोल्डर होता है जिसमें क्लिक करने पर आप इस फोल्डर में सेव किए गए पहले से कोई भी फाइल या कोई रिपोर्ट बनाए हैं या कोई लेटर लिखे हैं या कोई वर्कशीट बनाए हैं या प्रेजेंटेशन बनाए हैं वो आपको यहाँ से ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ओपन किया, देखिए डायरेक्टली आ गया हमारा। हमने यहाँ पे वर्ड्स, एमएस वर्ड की फाइलें बहुत ज़्यादा बनाई हैं, टैली की फाइलें हैं और एक्सेल की फाइलें इसमें नहीं है क्योंकि हमने इसमें नहीं बनाया है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पिक्चर। इस फोल्डर में इमेज और कुछ ग्राफिक फाइलें सुरक्षित रहती है। जैसे देखिए फिलहाल इसमें कुछ नहीं है,
लेकिन हम कोई भी कंप्यूटर से डायरेक्टली वेब कैमरा के थ्रू काम करते हैं तो सब इसी में स्टोर होता है। नेक्स्ट है म्यूज़िक। यह है म्यूज़िक, इस फोल्डर में ऑडियो फाइलें सुरक्षित होती हैं। यह है वीडियो, इसमें वीडियो की फाइलें स्टोर होती हैं। ये गेम्स, इस फोल्डर को क्लिक करने से आपके कंप्यूटर में पहले से ही सेव मल्टीमीडिया गेम दिखाई पड़ते हैं। आप कोई भी गेम खोलकर मनोरंजन कर सकते हैं, यानी कि इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस पे हम क्लिक किए, ये हमारे गेम्स हैं, जैसे यहाँ चेस है, फ्री सेल है। उसी तरह आप इसमें अपना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, या टाइम पास के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिए गए कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करके खोलना होता है, और यहाँ से भी खोलना होता है। जैसे ये रहा हमारा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ये है कंप्यूटर, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और ये स्टार्ट बटन से भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपका फाइल फोल्डर जो आप डेटा रखना चाहते हैं, या पहले से इसमें हम रखे हैं, आप भी रखना चाहते हैं, फाइल फोल्डर बनाना चाहते हैं, खुद सब बना सकते हैं। हम अगले वीडियो में बताएंगे कैसे फाइल बनाई जाती है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम, या नेटवर्क से रिलेटेड हो, या हार्डवेयर से, या सॉफ्टवेयर से, सबकी सेटिंग यहीं से कंप्यूटर की जाती है। जैसे कीबोर्ड हो गया, ये माउस की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, यूज़र अकाउंट, उसी तरह प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना, फाइल फोल्डर को हाइड शो करना, यानी कि फोल्डर को छुपाना और दिखाना, फॉन्ट इंस्टॉल करना, तमाम तरह की हैं। हम इस पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए पूरा डिटेल में। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस एंड प्रिंटर। इस ऑप्शन के द्वारा आप उन सभी डिवाइस को जो कि आपके कंप्यूटर के साथ किसी तार या बिना तार, यानी कि वायर्ड या वायरलेस जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं कि वे क्या काम कर सकते हैं और आप उनसे क्या अपना काम करा सकते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब का यहीं से आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे ओपन किए, हमने यहाँ पे USB कीबोर्ड का इस्तेमाल किया है और USB ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल किया है। हमारे में प्रिंटर नहीं है, इसलिए प्रिंटर का नहीं दिखा रहा है, ना कैमरा है। नेक्स्ट है, ये है अगला है, ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से, जिससे कि इंटरनेट में हम कोई भी, या ईमेल खोलते हैं, या कोई भी सूचना देखने के लिए, या कुछ भी डाउनलोडिंग करने के लिए, तो हम चुन के ओपन करते हैं कि हमको कौन सा ब्राउज़र ओपन करना है आपके सिस्टम में। जैसे मान लीजिए हमारे सिस्टम में ओपेरा है, क्रोम है और फायरफॉक्स है, तीनों वेब ब्राउज़र हैं। तो इन्हीं में से कोई एक डिफ़ॉल्ट रूप से सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए हम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पर ओपन किए, और यहाँ पर लिखा है सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक किए, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आ गए हमारे। जैसे हमने फायरफॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दिया, वो हमारा सेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब, यहाँ पे है हेल्प एंड सपोर्ट। इनका प्रयोग कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी हम एक फुल वीडियो डीपली नॉलेजेबल बनाएंगे। अब बात करते हैं ये कॉर्नर में जो हमारा एक बटन है, शटडाउन। शटडाउन से हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है।
पूरी तरह से जितने भी एप्लीकेशन ओपन किए रहेंगे वो सब। फाइनली ये लास्ट में प्रयोग किया जाता है शटडाउन का। अब चलते इसके अंतर्गत ये 6 ऑप्शन हैं, इनके बारे में जानते हैं। 6 विकल्प हैं, यानी कि 6 ऑप्शन हैं। स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट। देखिए सबसे बात पहले कहते हैं स्विच यूजर की। तो इस ऑप्शन के जरिए आप कोई भी प्रोग्राम बंद किए बिना एक यूज़र अकाउंट से दूसरे यूज़र अकाउंट में जा सकते हैं। जैसे ये रहा हमारा यूज़र जिसमें 2 बनाए हैं, एक क्लासेस के नाम से है और एक यूज़र नेम के नाम से है। यहाँ से, इसमें से और इसमें, दोनों में से आप कहीं भी किसी में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है लॉग ऑफ। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके प्रोग्राम बंद होते हैं और आप पुनः पासवर्ड डालकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉक। इस ऑप्शन से भी कंप्यूटर को लॉक लगाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, हमारा सिस्टम को यूज ना हो तो लॉक कर दीजिए और फिर पुनः आएंगे तो पासवर्ड डाल के अपना काम कर सकते हैं। रीस्टार्ट है नेक्स्ट। इस ऑप्शन से कंप्यूटर रीसेट हो जाता है तथा मतलब करेंट विंडोज बंद होकर फिर से नया विंडोज ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है स्लीप। इस ऑप्शन से कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं जब तक आप कोई बटन ना दबाएं, और कोई बटन दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर पुनः स्टार्ट हो जाता है। इसका बेसिकली यूज लैपटॉप में होता है बैटरी का पावर सेव करने के लिए। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको कंप्यूटर बंद नहीं करना है तो हम स्लीप मोड में करके चले जा सकते हैं कहीं, और फिर से आने के बाद पुनः कोई भी कीबोर्ड से दबाकर हम उसको ओपन कर सकते हैं या पावर की को प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यह है हाइबरनेट। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ओपन किया है, किसी कारण बस आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ रहा है, तो आप चाहते हैं कि जब आप कंप्यूटर दोबारा खोले तो वह प्रोग्राम आपको खुला हुआ मिले। ऐसी ज़रूरतों के लिए हाइबरनेट ऑप्शन का यूज करते हैं, ये वाला हाइबरनेट ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को विंडोज एक्सप्लोरर और रन कमांड के बारे में बताएंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।